हाँ, सबसे प्रार्थना हम बार बार कहते हैं, आपसे भजन ज्यादा बने न बने, गृहस्थी में हो, जो अपना कार्य कर रहे हो वही भगवान का भजन समझो, बीच बीच में नाम स्मरण कर लिया, पर ये आचरण जीवन में नहीं होने चाहिए। आप अगर पूर्व में हुए हैं तो भगवान को साक्षी करके छोड़ दो, वो भगवान पीछे की माफ कर देते हैं। अगर आप देखो आए हो, भगवत कृपा से आए हो, आप किसी भी जीव के शरीर का, तो फिर आपकी दुर्गति पक्की है कोई भी हो, क्योंकि आप कोई राक्षस नहीं हो, ये राक्षसों का और हिंसक पशुओं का आहार है आपके लिए, आपके लिए उत्तम उत्तम फल है, उत्तम उत्तम भोग सामग्री। बुरा जरूर लगेगा जो पाते हैं, क्योंकि आजकल प्रायः ये पर हम कहते हैं मंगल अगर होना है, आप सुखी होना है, तो सोचो आप कहते हो कि हमें सुख मिले, और आप दूसरे के शरीर, अपने शरीर को ऐसे काटो कैसा लगता है, आप दूसरे के शरीर को काट के रांध के पा रहे हो अपनी स्वाद के लिए, तो आपको इस कर्म का क्या फल नहीं मिलेगा। बोले हम तो काटते नहीं, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो आप सहयोगी हुए ना, कर्ता अनुमोदन प्रेरक तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है, सुकृत या दुष्कृत का। तो इसलिए जरूर कठिन लग रहा है, क्योंकि आज के जीवन में उच्च कोटि की पार्टी वही समझी जाती है जिसमें ये सब दोष हो, है ना, ऐसा समाज इसी को तो VIP माने। सात्विक भोजन बढ़िया अगर उसको रख दो और हाथ पैर धो के उसको पवाओ, आरती भले करो कि आप आओ आतिथ्य देवो भव, क्या यार बकवास कर रहा है, नहीं लगेगा, और रख दिया सब ये क्या VIP व्यवस्था होती। इसलिए भाई ये VIP व्यवस्था नरक ले जाएगी, वहां भी तुम्हारा ऐसे ही स्वागत होगा जो विविध प्रकार के कष्ट देने वाले हैं। ये बात पक्की समझ लो, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ रचने वाले महापुरुषों ने कभी ऐसा आदेश नहीं किया कि किसी भी जीव को दुख दे करके तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा। बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय है और बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला है, कभी ऐसा कोई धर्म अलाउ नहीं करता। हाँ, अधर्म पूर्वक जो जगत का नाश करने वाली चेष्टा करे उनके ऊपर शासन विभाग है, उनके ऊपर कानून है, कानून के अनुसार जो भी दंड निर्धारित न्यायाधीश करते वो भगवत स्वरूप है, वो पवित्र करने। लेकिन किसी निर्बल जीव को हम ऐसे आहार विहार में लाएं, तो इसलिए बहुत सावधानी, ये सब बातें बकवास हो जाएंगी। यदि आप ये सब करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर आप ये गंदे आचरण नहीं करोगे, एक शब्द पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये कोई भी पद टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे, ये शरीर टिकाऊ नहीं है, ये संपत्ति टिकाऊ नहीं है, जब शरीर छूटेगा सब छूट जाएगा, आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, हो उसमें कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हम इतना चढ़े आए, चढ़े नहीं आए, मनुष्य योनि में आ गए, अब हम ऐसी जैसे आप अच्छी अवस्था में जी रहे हो, अब उससे नीची अवस्था में गिर के जीना अब आपके लिए दंड होगा, तो इसलिए हम अन्य योनियों में न जाए। अगर हमें फिर अवसर भगवान दे तो मनुष्य योनि में हो और गुरुवाणी के अनुसार, शास्त्रवाणी के अनुसार चले और भगवान को प्राप्त करें।